जो मुझे लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बात पर जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। राम की सु आज तक आया नहीं सा, राम की सु आज तक आया नहीं सा, वो चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, वो चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। तो हिटलर का चीला और फिरौन की बाकियात, मूदी फरमाता है कि मोदी जी, ट्रंप जिसे आप अपना करीबी हकीकी दोस्त कहते हैं, उसे अपनी काबीना के साथ कश्मीर क्यों नहीं बुलाते? इतनी जल्दबाजी क्या है? 1980 में पाकिस्तान और अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद की। मोदी जी जब करते हैं तो मोदी जी को एक खौफ होता है कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बोलने और बताने की कोशिश करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इंडिया के हवाले से भी बात की, अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की, अंदरूनी मामला जिसके बारे में चेमगोइयां होती रहती हैं उसके बारे में भी खान साहब ने बहुत खुलकर बात की है। मैं देखता हूँ वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर मैं भारत के वजीर को देखूं तो वो किस किस्म की मौसूफ बात फरमा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। जो भी आप उनके साथ बगावत करने की कोशिश करेगा काट डालूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।